मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो बोल रहा है या सुन रहा है या तीसरा किसी अन्य व्यक्ति, मैं, तुम और वह तीनों के लिए ही पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इस सर्वनाम को मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तम पुरुष कौन से होते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम का उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोल रहा है या जो लिख रहा है वह खुद, वह स्वयं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, हम रोज स्कूल जाते हैं। इन दोनों ही उदाहरणों में देखा कि मैं और हम दोनों ही इंक्लूड हैं, दोनों ही इसके अंदर है, तो वहाँ उत्तम पुरुष होगा। जो अपनी बात कर रहा है, जो हमारी बात कर रहा है, वह है उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सुनने वाला या पढ़ने वाला यानी सामने वाला व्यक्ति, जैसे दो के बीच में कोई बात चीत हो रही है तो एक तरफ है बोलने वाला, दूसरी तरफ है सुनने वाला। अगर एक तरफ लिख रहा है तो दूसरा होता है पढ़ने वाला। तो जो सामने वाला सुनने वाला या पढ़ने वाला होता है वह होता है तुम। वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम वहाँ जाओ, तुम इधर आओ, तुम यह कार्य करो, तो यहाँ पे इसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पे दो व्यक्ति किसी तीसरी की बात कर रहे हैं। जैसे वह फल खाता है, यहाँ जैसे दो व्यक्ति है वो किसी अन्य की बात कर रहे हैं कि वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह खा रहा है, तो वहाँ पे अन्य पुरुष की बात होती है। वह फल खाता है, वे दिन भर खेलते हैं, तो यहाँ पे वो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वे हैं अन्य पुरुष। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।